नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल एटोमी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि एटोमी में इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आप अपनी डाउनलाइन टीम की आईडी कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो दोस्तों जो वेबसाइट है वो atomy.kr है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। और इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि एटोमी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एटोमी में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, और इसमें कुल मिलाकर के 6 स्टेप्स हैं, वो सब के सब स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और जो प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको सही स्टेप्स फॉलो करने हैं। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट का। वेबसाइट atomy.kr है, जो कि साउथ कोरिया की वेबसाइट है। अभी इंडिया की वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है, वो लॉन्चिंग के बाद आप उस पर कर सकते हैं। तो अभी जितने रजिस्ट्रेशन है इंडिया में वो कोरिया की साइट पे हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपका आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे ओपन हो जाती है। और ओपन होने के पश्चात आप जो फर्दर प्रोसेस है इसका, एटोमी रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। ये मेरे डाउनलाइन लीडर की आईडी है, तो इनकी आईडी ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। ये कोरिया की साइट है, वो ओपन हो जाती है। जब आप लॉगिन करते हो तो सब कुछ आपको यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज में दिखाई देगा, आपको इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आपका आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वेरीफाई है, तो आप अपने डाउनलाइन टीम की आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है ज्वाइन, और जो ऊपर जो इसके 6 स्टेप्स देख रहे हो आप, ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ एटोमी का ऑफिशियल नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेप्स देख रहे हैं ये आपको फॉलो करने हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले आपको सेंटर में वेलकम टू एटोमी वर्ड मिलेगा। ये स्टेप्स हैं 3, 4, 5 एंड 6। तो ज्वाइनिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो पार्ट आपको कंप्लीट करने के लिए राइट साइड में जो देख रहे हैं फॉरनर्स लिविंग एब्रोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करने के पश्चात एक विंडो ओपन होगी छोटी सी, उस पर एटोमी के टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, उसको आपको पढ़ना है। इसमें ये लिखा है कि जो भी विदेश के जो लोग हैं, दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, वो कंज्यूमर मेंबर के हिसाब से अपना आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एज ए कंज्यूमर अपना जो भी प्रोडक्ट है वो मंगवा सकते हैं। और आईडी का कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, आपका जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है। ठीक है, कंज्यूमर मेंबर विल नॉट एक्युमुलेट डाउनलाइन पीवी, जो कंज्यूमर मेंबर रहेंगे उनको डाउनलाइन पीवी का अभी दिखाई नहीं देगा उनके अकाउंट में। ठीक है, जो कंज्यूमर है, जो ओनली प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे उनके लिए है ये। ठीक है, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे इस कोरिया की वेबसाइट पे। और वन मेंबर आईडी पर पर्सन, एक लीडर यहाँ पे एक ही आईडी लगा सकता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। और मैरिड कपल्स आर अलाउड ओनली वन मेंबर, जो मैरिड लोग हैं कपल में हस्बैंड वाइफ हैं उनको एक ही आईडी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। राइट साइड में आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, छोटा बॉक्स जो आप देख रहे हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करके एग्री पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा एटोमी का। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सबसे पहले आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये 6 स्टेप कंप्लीट करने हैं आपको। जो पहला कॉलम नेशनलिटी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंडिया आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका इंडिया का रजिस्ट्रेशन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना है, लास्ट नेम सरनेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट बॉक्स में, फिर मेल हो या फीमेल हो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर पैन कार्ड अपलोड करना है या आधार कार्ड। पैन कार्ड अपलोड करना है तो पैन कार्ड के सर्कल पे क्लिक करना है और पैन कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना है आपको। ठीक है, और उसके पश्चात आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसमें ईयर सेलेक्ट करना है आपको। राइट वाले कॉलम पे जो मंथ है 12 मंथ वो आपको सेलेक्ट करना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। उसके नीचे कॉलम में आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और सेम अगेन कॉलम में आपको सेम पासवर्ड रिपीट करके लिखना है। और इसमें गेस्ट पासवर्ड आपको यूज़ करना है 4 डिजिट का, कोई भी 4 वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, 1 to 10, कोई भी 4 वर्ड, 4 से 16 वर्ड में। ये फ़ोन नंबर है। इस नेक्स्ट जो सेल नंबर है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, 4 डिजिट इसमें आएंगे, 4 डिजिट आपके मोबाइल की इसमें और 2 लास्ट में। ठीक है, तो 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है इस तरह से आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पिन कोड डालना है आपको, अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, ये जो 2 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको ईमेल आईडी डालना है। @ बीच में लिखा हुआ है वो आपको ध्यान देने योग्य है। ठीक है, और राइट साइड में आई एग्री पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे आप तो आपका सेकंड जो
पेज है वो ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टेप टू। ठीक है, ये वन पे आप चल रहे हैं अभी। और इसको कंफर्म करने से पहले आपको जो जितनी भी डिटेल आपने फिलअप की है एटोमी के बारे में, अपने खुद के बारे में, उसको आपको कंफर्म करना है। तो सारी डिटेल एक बार चेक करने के पश्चात आपको एग्री करना है, फिर कंफर्म जैसे करोगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आईडी डिटेल ऑलरेडी मैंने पुट अप कर रखी है, तो इस वजह से मैं कंफर्म करूँगा तो नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आपको डालनी है स्पॉन्सर आई डी, स्पॉन्सर आई डी डालनी है आपकी टीम में लेफ्ट और राइट में जो बंदा लास्ट में है, जिसके नीचे आपको आई डी पुटअप करनी है, उसका स्पॉन्सर आई डी डालना है। और लास्ट में है सेंटर, सर्च सेंटर, सेंटर के बारे में बाद में बताएंगे मैं आपको। अभी यहाँ पर स्पॉन्सर आई डी अगर आप डालते हो, उसके बाद ये स्पॉन्सर आईडी मैंने कोई एक डाली है राइट साइड में, फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, जिसके नीचे ज्वाइन करवाना है उसके स्पॉन्सर आईडी, फिर कंफर्म पे क्लिक करोगे तो उस बंदे की आईडी का नाम, यूज़र आईडी नेम, यूजर आईडी और उसका नेम सेंटर में आएगा, फिर उसको कंफर्म करना है कि हाँ सही है। उसके बाद नीचे और उसका जो नाम है वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, जिसके नाम से जो आईडी है, जिसके नीचे आप आईडी डाल रहे हो। और यहाँ पे सेंटर के लिए आपको ये लेफ्ट साइड में जो कोरियन साइड में दिख रहा है रॉयल वर्ड, अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस तरह से सेंटर सेलेक्ट करना है जो कि सियोल का है, रॉयल वर्ड ढूंढना है आपको इसमें, रॉयल के नीचे फर्स्ट जो है उसको छोड़ना है, सेकंड को छोड़ना है, थर्ड को छोड़ना है, फोर्थ नंबर सेंटर इसका नाम है सियोल, इंग्लिश में इसको कोरियन लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है सियोल सेंटर। तो जितने भी आईडी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं वो सियोल सेंटर के अंडर हो रही हैं। और राइट साइड में आपको कंफर्म करना है। ठीक है, जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे उसके पश्चात आपको जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन की है उसका सारा डिटेल आपको चेक करना है, ठीक है या नहीं। ठीक है, अगर ठीक है तो राइट साइड में डाउन साइड में डन पे क्लिक करना है। जैसे डन पे क्लिक करोगे आप तो आपका जो नया मेंबर है उसकी आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अब यहाँ पे। ठीक है, उसकी आईडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब उसके पश्चात उसका यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें यहाँ पे डाउन साइड में बॉटम में आ चुका है, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते डाउनलाइन मेंबर्स की गोपनीयता के बारे में ख्याल रखते हुए। ठीक है, तो नीचे बिल्कुल जाओगे तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, यूज़र लेफ्ट साइड में नेम, फिर सेंटर में यूज़र आईडी, राइट साइड में पासवर्ड। ठीक है, तो आपको इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है नीचे। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे इस पर, आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे आप इसके नीचे, तो ये नई विंडो खुलेगी जो सेंटर में आप देख रहे हैं। जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन की है अभी उसको नोट करते हुए इस पर पुटअप करना है, और सेम पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है इस नई आईडी का वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जो आईडी अभी आपकी नई रजिस्ट्रेशन हुई है उसका यूज़र आईडी ऊपर डालोगे आप, और डाउन साइड में आपको पासवर्ड डालना है, जो आप पासवर्ड आपने फिल इन द ब्लैंक्स में स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में फिलअप किया था। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड गलत होता है तो इस तरह का मैसेज स्क्रीन पे आएगा, योर आईडी और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें अभी आपको दोबारा से सही पासवर्ड डालना है जो अभी आपने आईडी में डाला था रजिस्ट्रेशन करते हुए। उसके बाद आपको लॉगिन के स्टेप है, आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको डाउन साइड में स्क्रॉल करते हुए नीचे लिख करके जाएगा गो टू आईडी वेरिफिकेशन पेज। जैसे गो टू आईडी वेरिफिकेशन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी आपके पास, इसमें सेंटर में आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो स्टार्टिंग में आपने भरा था, पैन कार्ड या आधार कार्ड। पैन कार्ड भरा था तो पैन कार्ड आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, अब ये इसमें अपलोड हो रहा है तो 10 सेकेंड का पोज लेना है आपको, 10 सेकेंड रुकना है, 1 2 3 4 5 इस काउंट करके 10 से 15 सेकेंड में वो आईडी अपलोड हो जाती है सिस्टम के अंदर। और जैसे ही 15 सेकेंड हो रुकने के पश्चात, 15 सेकेंड कंप्लीट होने के पश्चात आपको नीचे गेट वेरीफाइड पे क्लिक करना है नीचे। जैसे गेट वेरीफाइड पे आप क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन और ओपन होगी, उस पर लिखा होगा यूअर इट विल टेक प्लेस 2 to 3 working days, आपका वेरीफिकेशन 2 से 3 दिन में ऑफिशियली हो जाता है, और यूअर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैव बिन सबमिटेड। ये दो मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, लास्ट में ओके करना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप हमसे और हमारे टीम से जुड़ने के लिए जो नंबर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और हमारी इंटरनेशनल ग्लोबल टीम के साथ आप ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।